अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर आवर चैनल अनदर अनदर डे व्लॉग इन लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मजे में होंगे हम भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो आज हमारा अकेला स्कूल जा रहा है मीकाल क्यों जा रहे हैं अकेला स्कूल um, जो हाँ जी ये देखें जिब्राइल का बैक पैक पड़ा है वो रात को तैयारी करके सोई थी कि उसने स्कूल जाना है मिड नाइट वो मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी कि अम्मा मेरे उसको ना थ्रोट आ, कुछ हो रहा था डिस्कम्फर्ट था उसको हम्म hmm. <laughs> कह रहा है अब इसकी टर्न आ गई पहले मिकैल की तबीयत खराब हुई थी अब उसकी आ गई अब जाना भी मुझे कह रहा था सुबह जाते मुझे एक्स हो मुझे बॉडी एक सो रहे हैं तो चूंकि वेदर चेंज हो रहा है तो मेरा ख्याल है सारे ही बीमार हो रहे हैं तो चल भाई मी पुत्र की कर दे पै तुम चल रखो रखो वो और ये देखें मिकैल के ना ये बॉडी डिड्रेंट भी ये साथ लेके जाता है स्कूल क्योंकि जब बच्चे वहाँ पे जिम मी जिम एवरी डे ना तेरा मोस्टली हाँ तो ये ये चीज़ें साथ लेके जानी होती हैं इसने मेरी जिब्राइल इतनी एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए उसने पूरी थी। ये वो जिब्राइल ना रात को ही बैग पैक करके सोती है मीका सुबह करता है तो बस मैंने कहा अब आपको आप बताते हैं आज मीका अकेला स्कूल जाएगा इसलिए कह रहे हैं मैं लेट निकलूँगा जिब्राइल को होता है कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे लगानी है तो वो जल्दी निकलती है लेकिन मीका कह रहा था मैं ए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में निकलूँगा बैब्रस अन दि जाना ऑलरेडी जा चुके हैं जब जिब्राइल उठेगी तो फिर मैं आपको उससे मिलवाऊंगी आज मीकाइल अकेला जा रहा है ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे जब एक बच्चा अकेला जाए मीकाइल तू इंजॉय करता है अकेला कर जाना कि नहीं यू लाइक गोइंग विद जिब्राइल बातचीत करते जाएंगे ना दोनों चलो हो गया बेटा ओके hmm. oh, okay, मेरा बच्चा ओके 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 टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ध्यान न जाना है ओके किसी ने गल बात नहीं करनी रहा अल्लाह हाफिज तो ये हमारा रोज का एक रूटीन है मैं इनको बताती हूँ किसी से बात नहीं करनी किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी स्ट्रेंजर से आई नो अब तो उनको ये याद हो गया फिर भी वट है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज इसने ना एक्चुअली जूते चेंज करने थे वो आज इसको भूल गए <laughs> जी। तो अब जनाब बारी आ चुकी है जी हमारे नाश्ते की तो आज मैं क्या खाने वाली हूँ देखिए वही वो पुरानी यादें मैंने ताज़ा की है सीरियसली बड़े ही अरसे के बाद मैं आज क्या खाने वाली हूँ पराठा और कल कोफ्ते बनाए थे साथ मैंने अंडा अपने बॉईल किया क्योंकि मुझे अंडे के बगैर कोफ्ते अच्छे नहीं लगते और साथ में मैंने थोड़ा सा जूस लिया बाहर का व्यू देख लें जनाब ये सामने का व्यू मुझे यहाँ बैठ के नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है लाइक ये मेरी फेवरेट सीट है एक्चुअली मैं डाइनिंग टेबल के किसी और सीट पे नहीं बैठती सिर्फ यहीं पे बैठती हूँ जब मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता करती हूँ तब तो मैं कोई चीज़ नहीं लगाती ना टी वी ना कुछ ना फ़ोन पे ना कोई प्रोग्राम ना कुछ बस मैं आराम से बैठती हूँ और अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ ये मुझे बहुत मज़ा आता है बस सामने देखती रहती हूँ सोचती रहती हूँ और खाती रहती हूँ तो ये मेरा रूटीन होता है जब मैं इस तरह का नाश्ता करती हूँ अदरवाइज़ uh, कुकी वग़ैरह खाने तो कहीं भी बैठ जाती हूँ इतना एहतमाम नहीं ना होता लेकिन इस नाश्ते का एक अपना ही मज़ा आता है तो आज जनाब इतने अरसे बाद मैंने ये जब नाश्ता सोचा ना मैं करूँगी तो सीरियसली आज मैंने ना नाश्ता किया भी जल्दी है मैं अराउंड नाइन ओ क्लाक का टाइम है इस वक्त जब मैं नाश्ता कर रही हूँ नॉर्मली मैं साढ़े दस ग्यारह करती हूँ आज जब मैंने ये सोचा ना कि आज मुझे पराठा खाना है छोटा सा पराठा बना के तो मुझे भूख लगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई कभी कभी वो रूटीन अपना ना आपको चेंज भी कर लेना चाहिए तो बस जरा अब आप जल्दी से करेंगे नाश्ता इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि, कि ज़िब्राहल बिचारी जो है ना उसकी तबीयत आई पूरा दिन बहुत ख़राब रही सारा दिन कभी एक जगह लेट के सो रही है कभी दूसरी जगह पे लेट के सो रही है तो आज उसका सारा दिन सोते सोते ही गुजरा है तो बस देखते हैं आप अगर कल तक वो ठीक नहीं होगी तो फिर उसको मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा जो कि मुझे लग रहा है शायद लेके जाना पड़े क्योंकि वो, वो मुझे लग रहा है उसको टॉन्सल्स हो रहे हैं तो चलिए अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ जिब्राइल के रूम में क्योंकि इस वक्त हो चुके हैं तकरीबन साढ़े दस ग्यारह का टाइम है और जिब्राइल अभी भी सो रही है वो एक दफ़ा उठी कुछ खाया पिया नहीं फिर थोड़ी देर लेटी फिर कहती हम मैं रूम में चली जाऊँ मैंने कहा जाओ तो ये है जी बस जबराइल का रूम तो चले मैं आपको लेके जाती हूँ वो बिल्कुल मैंने ना अब क्या किया अपने कैमरे के साथ जो छोटी वाली लाइट है वो मैंने ऑन कर लिए वरना वो कमरे में बिल्कुल कर्टनस बंद करके और वो लेटी है मदद के मेरी बच्ची बीमार हालांकि ये कभी भी नहीं सोती जिब्रैल नैप बिल्कुल मेरे चारों बच्चों में कोई भी नैप नहीं लेता और ये देखे सुबह उसको मैंने नाश्ता दिया था तो वैसे का वैसा उसका टेबल पर पड़ा है उसने बिल्कुल भी वो नाश्ता खाया नहीं है यहाँ पर ये इनका एक फ़ैन होता है ये ज़रूरी ऑन करते हैं इसकी आवाज़ के बगैर इनको नींद नहीं आती उसने फैन ऑन किया अपना और कंबल में लिपटी पड़ी हुई है बेचारी और मैं अभी अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये ज़रा चेक करें ये जबराइल क्या करती है रात में ना बैग अपना रेडी और कपड़े निकाल के ज्वेलरी जो अगर उसने पहननी है हेर टाई तक वो अपने ऐसे टेबल के ऊपर रख के सोती है ताकि जब वो सुबह उठे तो उसको आराम से कपड़े पहले से डिसाइडेड हों और वो आराम से बस चेंज कर वह स्कूल चली जाए वही वाली बात कल ये जबराइल बड़ी खुश होकर स्कूल जाती है इसका स्कूल जाने का बड़ा दिल करता है तो वो सारी तैयारियाँ बेचारी करके सोई थी लेकिन सुबह मिड नाइट में बेचारी बीमार हो गई अल्लाह करे इसको लसीहत दे तो देखते हैं कल तक कुछ बेहतर होती है कि नहीं वैसे मैं नॉर्मल मुझे लग रहा है कल भी मैं इसको घर पे ही रखूँगी एक आध दिन इसको मैं एक्स्ट्रा रेस्ट करवाऊँगी अगर ये बेहतर हो भी गई नहीं तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर को दिखाए बगैर फिर समटाइम्स गुजारा नहीं होता साथ जनाब घर के काम तो ख़त्म होते नहीं हैं लॉन्ड्रीज करनी थी मैंने आज कोल्ड वाटर में जो कपड़े धोने थे थोड़े जो कलर्ड कपड़े हैं जिनके कलर थोड़े डार्क हैं वो मैंने वॉश करने थे तो कोल्ड वाटर में जब आपने करना होता है जी कपड़ों को वॉश तो उसका डिटर्जेंट जो है वो डिफरेंट होता है और हॉट या वार्म वाटर का डिटर्जेंट डिफरेंट होता है बस अभी मैं इसको इसको एक ही लोड है ये इस एक लोड को चलाऊँगी और फिर उसके बाद इन शला जाते हैं और फिर अंदर जाके देखते हैं और क्या काम करना है काम तो ख़त्म होते नहीं है सारा दिन मेरे सीरियसली सारा दिन एक काम करके बैठती हूँ साथ में मुझे दूसरा याद आ जाता है दूसरा करके बैठती हूँ तीसरा याद आ जाता है ये कामों की जो लंबी एक लिस्ट है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती लेकिन चलें अलहमदिल्ला आप ये हमारा डन हो गया चीज़ें अब मैं आपको दिखाती हूँ शाम की नज़ारे शाम में आज मैंने क्या किया मैंने आज जनाब बनाए थे बच्चों के लिए राइस और साथ में बना रही हूँ चिकन जो उनको मैं लंच के लिए देती हूँ ये घर के लिए नहीं है ये लंच के लिए उनके लिए मैं बना रही हूँ और इसलिए बनाती हूँ फिर एक दिन बनाती हूँ फिर तीन चार दिन आराम से मेरे उसके साथ गुजर जाते हैं राइस बन चुके हैं बस मैं उसका दम खोल रही हूँ और चिकन भी ऑलमोस्ट मेरे रेडी है जरा मिकैल को देखें इसलिए इसका दिल किया आज आइस कैप पीने पर तो ये गया था अपने बाबा के साथ जाना और ये तो जाके अपने लिए आइस कैप एंड खुंच लेके आए हैं और इधर हमारा चिकन भी रेडी हो रहा है पहले मैं इसको थोड़ा सा कवर करके आज बना रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने सोया सॉस नहीं डाला था और इधर टाइम हो चुका है जनाब चेक कर लें क्या टाइम हुआ है रात के नौ बज चुके हैं और इसके साथ ही मुझे थोड़ा रात की जिससे इसने अभी तक खाना नहीं खाया उसके खाने की तैयारी भी मुझे करनी है हम लोग वैसे खाना खा चुके हैं बच्चों ने अभी खाना है तो देखते हैं आप बच्चे क्या मांगते हैं लेकिन मैंने वही सोचा कि अब ये आज चिकन बनाओ मुझे नहीं पता अब कल जिब्रैल खैर से जाती है कि नहीं राइस तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे क्योंकि जिब्राइल कहती है अम्म मुझे कोफ्ते और चावल ही खाने हैं तो उसको कोफ्ते जो है ना वो चावलों पर डाल के बड़े मज़े के लगते हैं तो मैंने इसलिए थोड़े राइस ज़्यादा बनाया ताकि उनके लंच के लिए भी काम आ जाएंगे और जिब्राइल ने अगर घर में भी खाने हैं तो खा लेगी वरना आज उसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया बेचारी ने सीरियसली सारा दिन वो भूखी रही शाम में इसको थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ी बेहतर हुई तो इसने थोड़े से दो चार चम्मच राइस के लिए और कोई दस बारह इसने रेस बैरिस खाई होंगी दैट्स एट और सारा दिन बेचारी भूखी पड़ी रही कभी इधर सोए कभी उधर सोए सारा दिन सोते सोते इसने गुजार दिया और बच्चों की ना शक्ल ही चेंज हो जाती है जब बीमार होते हैं अल्लाह किसी के बच्चों को बीमार ना करे अल्लाह सबको को अपने हिफ्ज़ मान में रखे सेहत दे क्योंकि मुझे तो सीरियसली मुझसे तो बच्चों की बीमारी नहीं देखी जाती तो चलें जनाब ये देख लें आप मज़ेदार मज़ेदार तरह से हमने बनाया जी चिकन और अभी इसको अब मैं इसको क्या करूँगी कि अनकवर करके बनाऊँगी पहले हमने कवर करके बनाया अब इसको अनकवर करके बनाएंगे 15 टू 20 मिनट्स बोनलेस है झटमट में बन जाएगा रेडी हो जाएगा और हमारा खाना भी आज का तैयार हो जाएगा तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का ब्लॉग उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये ब्लॉग आपको हमेशा के ब्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो फिर कल वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ जाने से पहले एक दफ़ा फिर आप लोगों से बोलूंगी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हमारे घर में जो जो बीमार है सब लोग ठीक हो जाएं क्योंकि एक दफ़ा जब सिकनेस आती है ना तो वो सबको बीमार करती है दुआओं में याद रखिएगा टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़